हेलो दोस्तों, कैसे हो? ये हमारे पास में एक मिक्सी रिपेयर होने के लिए आया, सुजाता की मिक्सी है। मैं आपको देखो दिखा भी देता हूँ, ये सुजाता की मिक्सी है। और इसमें क्या है कि साउंड बहुत ज़्यादा कर रही है। मैं आपको एक बार इसको चला के भी दिखा देता हूँ। मैं इसका प्लग लगा लेता हूँ, तो अब देखो मैं इसको ऑन करूँगा तो देखना कितने साउंड कर रही है। तो मैंने आपको दिखाया, देखो कितने साउंड कर दिया। और देखो इसमें चाल भी आए, ये ऐसे हिल भी रही है। देखो अब इसकी कपलिंग खोल लेते हैं। ये कपलिंग इसमें चोट मार के खोलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ देखो कैसे खुलेगी। तो मैं इसमें चोट मार लेता हूँ ऐसे। आपको भी कोई साफ्ट या कुछ भी ले लेना है ऐसे, तो आप इसमें ऐसे इस साइड चोट मारोगे तो इसका क्या होगा, कपलिंग खुल जाएगी। तो देखो इसकी कपलिंग जो है खुल चुकी है, आपको दिख रहा होगा देखो, क्योंकि इधर की साइड टाइट होती है और इधर की साइड खुलेगी। देखो कपलिंग खुल चुकी है। तो इसका जो बैरिंग है, बैरिंग इसका बिल्कुल ख़राब हो चुका, तो इसमें नए बैरिंग हमें लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सुजाता की मिक्सी इसमें बैरिंग लगे हुए होते हैं। तो अब इसका पीछे का जो कवर है, कवर भी खोल लेते हैं। इसमें पेच लगे हुए होते हैं, फिर पेच आपको खोलने पड़ेंगे। तो मैंने इसके जो पेंच थे, पेंच मैंने खोल लिया। और इसका कवर है, कवर रख देते हैं साइड में, क्योंकि कवर की हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो इसमें ऑयल भी डाल रखा है, ये कस्टमर ने खुद ही खोल लिया। देखो इसमें कितना ऑयल डाल दिया अंदर, जबकि इसका बैरिंग जो है अंदर से टूटा हुआ है। टूटने की वजह से इतनी आवाज़ कर रहा है। कस्टमर ने सोचा होगा कि ऑयल डालने से सही हो जाएगी आवाज़ इसकी। इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा डाल रखा है अंदर। तो हमें इसकी जो है पूरी मोटर बाहर निकालनी पड़ेगी। और पूरी मोटर बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसके कनेक्शन हटाने पड़ेंगे, जितने कनेक्शन है। पहले मैं अर्थिंग वायर खोल लेता हूँ। और आप जो है कनेक्शन हटाने से पहले इसका फ़ोटो खींच लेना, जहाँ जहाँ पर कनेक्शन हो रखे हैं, क्योंकि इसमें कनेक्शन बहुत सारे होते हैं, भूल जाते हैं ज़्यादातर लोग इसमें कनेक्शन, क्योंकि जो और मिक्सियाँ होती हैं उनमें तो कनेक्शन दो तीन ही होते हैं, इनमें काफ़ी सारे कनेक्शन होते हैं, भूल जाते हैं ज़्यादातर। तो आपको इसका जो है फ़ोटो खींच लेना है कनेक्शन का, जितने भी कनेक्शन है उसमें कौन सा कनेक्शन कहाँ पर लगा हुआ है, तो आपको याद रखना है। तो मैं थिंबर निकाल लेता हूँ उसका। इसमें जो है टेप लगा रखी है, टेप की वजह से पीछे नहीं हट रहा थिंबल, ये जो रबड़ है इसकी। तो इनको बाद में लगा देंगे, खून इसको भी फिलहाल छुटा ही लेते हैं ऐसे ही। तो देखो यहाँ से एक वायर टूट गई, ये वाली, और ये वाली जो है यहाँ से, इसमें वायर लगा देंगे बाद में, कोई नहीं। और अब इसके ये जो वाले कनेक्शन है, ये कनेक्शन हटा लेंगे इसके। इसमें एक पिन होती है बनी हुई, तो पिन आपको दबानी पड़ेगी। पिन दबाने से क्या होगा कि यह आराम से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसमें एक पिन होती है बनी हुई, यहाँ पे इस जगह पे, तो आपको ये पिन आराम से दबानी है। तो यहाँ पे देखो इसमें पिन है बनी हुई, जैसे आप पिन दबाओगे तो आराम से बाहर निकल जाता है। तो ये उल्टा लगा हुआ है इधर से, तो देखो आराम से बाहर निकल गया। और अब इसके कनेक्शन हम हटा लेंगे। तो आपको कनेक्शन इसके हटाने से पहले याद भी रखना है कौन सा कनेक्शन हमने कहाँ से हटाया है। तो देखो आपको दिख रहा होगा, तो कनेक्शन आपको देख लेना है देखो, क्योंकि अगर आपने इसके कनेक्शन हटा दिए और आपसे लगे नहीं है तो उल्टे कनेक्शन हो गया, तो इसकी ये वायरिंग भी जल जाती है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो हम इसकी वायरिंग हटा लेंगे। तो वायरिंग हटाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जैसे भी हमने इसका ये वाला थिंबल है, थिंबल दबाएंगे इसका, तो ये कनेक्टर इसका बाहर निकल जाएगा। सबको ऐसे धीरे धीरे बाहर निकालेंगे इनको दबा दबा के, क्योंकि इसकी ये स्पीड है मोटर की। तो ये आपको याद रखनी है कौन सी हमने वायर कहाँ से हटाई है। तो मैंने इसकी वायरिंग भी हटा ली। और अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे तीन पेंच लगे होते हैं, तो पेंच हम इसके खोलेंगे। मोटर बाहर निकालने के लिए हमें तीनों पेंच इसके खोलने पड़ेंगे। तो एक पिंच तो मैंने खोल दिया, अब दूसरा भी खोलते हैं।
तो इसका ये तीसरा दूसरा पेंच भी खुल गया। अब तीसरा पेंच खोलते हैं इसका। तो देखो मैंने इसके तीनों जो पेंच थे पेंच खोल दिया। अब इसकी मोटर जो है आराम से बाहर निकल जाएगी। देखो मोटर इसकी बाहर आ चुकी है, आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो कवर है, कवर तो साइड में रख देते हैं, कवर की हमें ज़रूरत नहीं है इसके। तो यहाँ से इसका ये थिंबल भी हटा देंगे, ये वाला मोटर को हम अलग कर लेंगे पूरी को। और इसका कवर साइड में रख देते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो बैरिंग है ऊपर वाला ख़राब है, इसका ऊपर वाला बैरिंग चेंज करेंगे। बैरिंग चेंज करने के लिए हमें पूरी मोटर खोलनी पड़ेगी। अब इसके जो कार्बन है, कार्बन इसके बाहर निकाल लेते हैं। देखो ये यहाँ पे ऐसे इसको लॉक होता है, इसमें लगा हुआ, तो इसको दबाएंगे और ऊपर की साइड खींचेंगे तो आराम से बाहर निकल जाते हैं। देखो निकल गया। तो कार्बन भी इसका बिल्कुल सही है, कार्बन भी घिसे भी नहीं है। और इसी तरह यहाँ पर भी लॉक बना हुआ, देखो इधर की साइड भी लॉक दबाएंगे तो आराम से पत्ती इसकी जो बाहर निकल जाएगी। तो ये तो हमने निकाल दिया बाहर। दो बोल्ट लगे हुए हैं, तो दोनों बोल्ट हम इसके खोलेंगे। ये मेरे पास एक बड़ा पेच कैसे, बड़े पेच की मदद से, क्योंकि छोटे वाले से ऐसे जोड़ नहीं लग पाता। तो एक पेच तो इसका, एक बोल्ट तो इसका खुल गया। और अभी इधर वाला बोल्ट भी इसका खोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन यहाँ पे पत्ती में इसका फंस रहा है, बाहर निकल नहीं रहा पूरा। तो ज़्यादा जोड़ लगाएंगे तो उसका जो बीच में वायर वायर टूट जाएगी। तो अब इसका जो है दूसरा वाला बोल्ट है, बोल्ट ये दूसरा वाला भी खोल लेते हैं। देखो ये खुल गया, बड़े पेचकस से आराम से खुल जाता है, छोटे वाले से ऐसे जोड़ने लग पाता। तो देखो ये खुल चुका है। तो हमें जो है इसमें कोई लकड़ी का गुटका ले लेना है। लकड़ी के गुटके से हम इस पर चोट मारेंगे। तो ये मेरे पास में लकड़ी है, तो लकड़ी से इस पर धीरे धीरे चोट मारेंगे ऐसे करके। तो क्या होगा कि बाहर की साइड निकल जाएगी इसी साहब की, पैरिंग से बाहर आ जाएगी साहब। तो ये देखो हल्की सी तो चली है बिल्कुल, बाकी अभी पूरा पूरी साफ्ट निकली नहीं आई। अभी धीरे धीरे निकालते हैं इसको बाहर को, साफ्ट को, क्योंकि मैं अकेला हूँ, लड़का नहीं है कोई मेरे साथ में फिलहाल, लड़के काम करने लेके जा रखे हैं, तो इसलिए मुझे इसमें अकेले को निकालनी पड़ रही है साहब। तो ये लकड़ी मेरी फट गई, क्योंकि बहुत कमज़ोर लकड़ी है ये, कोई चार फुट का हमें लेना पड़ेगा जिससे बाहर निकलेगा ये। ये मेरे पास में जो है छोटे सॉकेट है, ये क्या होगा कि चूड़ी पर तो लगेगी नहीं। ये जो नीचे वाली इसकी करनी है, ये वाली जो नीचे वाली करनी है, ये देखो इस पर आराम से बैठ रहा है नीचे जाके। ये देखो तो मैं इसको ऊपर चोट मारूंगा तो ये आराम से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्ट चोट नहीं मारनी। इसकी चूड़ी ख़राब होगी तो इसमें कपलिंग नहीं लगेगी, फिर आपको याद रखना है। तो इसमें धीरे धीरे चोट मारता हूँ। तो ये देखो ये बाहर आ चुका काफ़ी अभी, क्योंकि इसकी देखो चूड़ी बिल्कुल सही है, चूड़ी में कोई चोट ही नहीं लग रही इसकी। इसकी चोट लग रही है इस वाली कन्नी पर लग रही है, तो ये आपको याद रखना है, चूड़ी में बिल्कुल भी चोट नहीं मारनी। अगर चूड़ी में आपने चोट मार दी तो ये ख़राब हो जाएगी चूड़ी इसकी, और कपलिंग इसमें नहीं लगेगी फिर। तो ये देखो बैरिंग से बाहर आ चुकी इसकी साफ्ट जो थी, ये जो इसमें आर्मेचर जो लगा हुआ है, ये बैरिंग से बाहर निकल चुका। मैं एक बार देख लेता हूँ पीछे का बैरिंग सही है कि नहीं इसका। तो बैरिंग तो इसका पीछे का भी ख़राब हो गया, इसमें चाल बहुत ज़्यादा है, इसका दोनों बैरिंग चेंज करेंगे, पीछे का बैरिंग भी और आगे का बैरिंग भी दोनों चेंज करने पड़ेंगे हमें। तो मैं इसको कैसे निकालूंगा अब, इसमें यहाँ पे पुलर लगा के, पुलर की मदद से मैं इसको निकालूंगा बाहर। तो ये मेरे पास में पुलर है, तो पुलर की मदद से मैं इसको बाहर निकालूंगा। तो मैं इसमें पुलर लगा लेता हूँ। चाहो तो आप इसको भी पुलर की मदद से निकाल सकते हो, अगर आपके पास है पुलर हो। मैं आपको दोनों तरीके बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अलग तरीके से निकाला है बैरिंग, और ये वाला मैं अलग तरीके से निकाल रहा हूँ। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको कैसे कैसे निकाल सकते हो बैरिंग को।
तो इसीलिए मैं इसको कूलर से निकाल रहा हूँ और वो वाला मैंने चोट मार के निकाला है। तो मैं इसको प्लास की मदद से पकड़ के घुमाऊँगा जिससे कि ये शाफ्ट को नीचे की साइड धकेलेगा। फिर तो ये देखो बैरिंग जो है इसका निकल चुका है बाहर। इसका क्या हुआ कि इसका पूरा बैरिंग बाहर निकल गया है, ये देखो आपको दिख रहा होगा। देखो तो इसका जो बैरिंग था, देखो बैरिंग इसका ये भी ख़राब है, देखो इसमें भी चाल है, आपको शायद हिलता हुआ दिख रहा हो। देखो तो हम इसमें दोनों बैरिंग नहीं लगाएंगे और अब ये वाला जो बैरिंग था ये वाला बैरिंग हम बाहर निकालेंगे। तो इसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बैरिंग बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास में बांक है तो बांक को मैं खोल लेता हूँ। तो इसी पर रख के मैं इसको बैरिंग को निकालूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे निकालूंगा मैं इसको बैरिंग को। मैं इसका मुंह खोल लेता हूँ पूरा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो ये वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा हम इसको ऐसे रखेंगे। इस पर अभी आनी रात में अंदर और थोड़ा खोलना पड़ेगा हमें। तो देखो मैंने बांक का इतना मुँह खोल लिया इसका। इसमें क्या होगा, ये जो इसके खांचे हैं ये वाले, इनको इनको मैं ऐसे रखूँगा इस पर ये वाले खांचे, क्योंकि इसमें पत्ती लगी होती है, यहाँ पे पत्ती बाहर निकल जाएगी। तो ये खांचे मैं इस पर ऐसे रख दूँगा यहाँ पे और इसको अलग टाइट कर लेता हूँ। और मैं बैरिंग पर चोट मारूँगा इसके, तो बैरिंग पर चोट मारने से क्या होगा कि बाहर की साइड निकलेगा। फिर ये मेरे पास में है तो मैं इसी से चोट मारूँगा। आप चाहो तो आपके पास में अगर कुछ और हो साफ्ट इस पर रखने के लिए, इस पर बैरिंग पर आ जाए आराम से, तो आप इस पर चोट मारोगे देखो तो बैरिंग इसके बाहर निकल जाएगा। तो ये देखो आपको दिख रहा होगा इसका बैरिंग और ये पत्ती बाहर निकल गई, ये वाली जो पत्ती इसके ऊपर लगी हुई थी बैरिंग के, और ये वाला है देखो बैरिंग। तो आपको दिखा भी देता हूँ देखो कौन कौन से नंबर बैरिंग इसमें लगे हुए हैं। तो एक बैरिंग तो मैंने निकाल दिया, ये वाला जो लगा हुआ है 629 नंबर बैरिंग लगा हुआ है, देखो आपको दिख रहा होगा 629 है। ये देखो बिल्कुल ये देखो कितनी चाल है, ये बैरिंग ख़राब हो चुका है इसका ऊपर वाला। और ऊपर वाला बैरिंग ख़राब हुआ तो नीचे वाले में भी चाल आएगी इसमें बैरिंग में। तो इस वाले बैरिंग को भी हम निकालेंगे बाहर। देखो क्या हो रहा था कि लग के चल रही थी मिक्सी अंदर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, क्योंकि इसका बैरिंग घिस चुका था ऊपर वाला, टूट गया बैरिंग। तो चाल तो इसमें भी है देखो बैरिंग में, तो इसमें ये वाला भी नया बैरिंग लगाएंगे। मेरे पास में इसे निकालने का पुलर नहीं है इसका, जो इसमें मिक्सी वगैरह में जो ग्रेंडर वगैरह का जो काम करते हैं उनके पास होता है, क्योंकि ग्रेंडर का काम हम नहीं करते। ग्रेंडर का काम पहले करते थे काफ़ी टाइम पहले, वो बंद कर देता। अब हमारे जो जो उसके टूल्स थे वो मैंने एक दोस्त को दे दिए थे, तो मेरे पास में है नहीं उसके टूल्स। तो ये अभी बैरिंग निकालेंगे हम इसका, बैरिंग देखते हैं, अगर ये हमारा पुलर इसमें फंस जाए तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं लगेगा इसमें तो कुछ और जुगाड़ बनाएंगे फिर इसके निकालने के लिए। तो ये वाला पुलर तो इसमें आ नहीं रहा, मेरे पास में एक और भी है छोटा पुलर तीन टांग वाला, तो वो देखते हैं। तो अब इसको बैरिंग को देखते हैं निकाल के, इस वाले कूलर से निकलता है कि नहीं इससे भी। तो ये वाला कूलर भी नहीं इसमें लग रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जगह कम है, ये सही से आ नहीं पा रहा इसमें। तो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर लग जाए तो सही है, नहीं लगेगा तो फिर इसमें चोट मार के हमें निकालना पड़ेगा। तो ये इस वाले पुलर से भी निकल रहा, अब हम क्या करेंगे इस पर चोट मारेंगे, यहाँ पे चोट मार के इसके निकाल लेंगे। तो मेरे पास में छैनी है तो छैनी से मैं इस पर चोट मारूंगा। तो मैं क्या करूँगा, अब इस पर ऐसे चोट मारूंगा यहाँ पे ऐसे रख के, क्योंकि आर्मेचर भी ख़राब हो जाता है ये, अभी आपको याद रखना है मेरे पास में छैनी है जो छैनी से चोट मारूंगा मैं इस पर। तो मैं अब क्या करूँगा, देखो मैंने इसको पकड़वा लिया, अब मैं इस पर यहाँ पर चोट मारूंगा धीरे धीरे, उधर नहीं चाहता उधर नहीं जाएंगे। तो मैं इसको यहीं पर रख लूँगा अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको रख दिया, अब इसमें धीरे धीरे मैं चोट मारूंगा। तो बैरिंग तो इसका काफ़ी बार आ गया अभी चोट मारने से, क्योंकि मैंने इसकी साफ जान नीचे यहीं पे रख ली।
अब फिर इसको बाद में निकाल लेंगे बाहर। तो अब मैं इसको क्या करूँगा कि यहाँ पर रखूँगा इसको आर्मेचर को ऐसे, और ऐसे रख कर फिर इस पर छोट मारूँगा तो आराम से बाहर निकल जाएगा। अभी तो देखो इतना तो बाहर आ गया है। अब मैं इसमें पुलर फंसा लूँगा तो पुलर की मदद से इसको निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि अब इसमें जगह बन गई है पुलर लगने की। पहले इसमें क्या था कि जगह नहीं बननी थी, तो यहाँ पे आके फंस गए। अब हम इसमें पुलर लगा लेंगे। तो मैंने इसमें कूलर लगा लिया और मैं इसको पिलास से चला के देखता हूँ बैरिंग बाहर निकलता है कि नहीं है। तो ये देखो मैं इसको धीरे धीरे चलाऊँगा। देखो बैरिंग आराम से बाहर निकल गया बिल्कुल, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो तो अब हम इसमें दोनों बैरिंग चेंज करेंगे। ये वाला नंबर है इसका, ये 608 नंबर है, और जो दूसरा वाला बैरिंग था उसका नंबर था आपका 629। तो ये दोनों बैरिंग हम इसमें नहीं लगाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ देखो कैसे इसके बैरिंग चेंज करूँगा मैं। तो ये मैंने जो है नए बैरिंग मंगवा लिए, क्योंकि मेरे पास में थे नहीं इसके मिक्सी के बैरिंग। तो इस वजह से देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ ऐसे इसके बैरिंग है। ये 608 नंबर का बैरिंग है, देखो आपको दिख रहा होगा 608 है, और ये 629 नंबर का बैरिंग है। तो ये दो बैरिंग है, और देखो ये 629 है, ये भी SH का बैरिंग है, आपको दिख रहा होगा। तो ये भी 629 का बैरिंग है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि दोनों बैरिंग लगाएंगे। सबसे पहले बैरिंग हम इसमें लगाएंगे यहाँ पे, तो ये वाला बैरिंग ठोकेंगे हम इसमें, जो बड़ा बैरिंग है 629। ये देखो ये आसानी से इसमें आ चुका, और अब इसका जो इसमें लगाएंगे, और ऊपर से अब इसको लगा देंगे जो इसका ऊपर वाला जो कवर है। तो इसको हम ठोकेंगे इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आपको कैसे ठोकना है। आपके पास में कुछ भी नीचे रखने के लिए हो, जैसे मेरे पास में नीचे रखने के लिए, तो मैं इस पर रख के इसको आराम से इस पर चोट मारूंगा तो ये ठुक जाएगा इसमें अंदर। तो मैं देखो उसको ऊपर से इस पर जो उसकी प्लेट है जो बैरिंग के ऊपर लगी हुई, तो मैं इस पर चोट मारूंगा तो ये आराम से ठुक जाएगा इसमें अंदर। ये आपको अच्छे से बिठा लेना है। देखो ये अच्छे से बैठ चुका है इसमें, बैरिंग मैंने इसमें लगा दिया। देखो ये हील भी ना बैरिंग बिल्कुल एकदम फिक्स आ चुका। ये आपको यहाँ से अच्छे कन्नी बैठा लेनी है इसकी, ये वाली जो कन्नी है। तो ये वाला बैरिंग तो मैंने इसमें लगा दिया, और अब इसका जो नीचे वाला बैरिंग था, नीचे वाला बैरिंग भी लगाते हैं। तो इसको भी ठोकने के लिए क्या करेंगे, इसको भी यहीं पर रख लेंगे ऐसे, और अब ये बैरिंग लगाएंगे इसमें अंदर। ये बैरिंग आपको लगा लेना आराम से, ऊपर से चोट मारेंगे। थोड़ा टेढ़ा हो गया, टेढ़े की वजह से अंदर जान रहा है। तो देखो बैरिंग इसमें अंदर चला गया बिल्कुल, ये फिक्स आ गया बैरिंग। और अब ऊपर से क्या करेंगे, इसकी जो रबड़ है रबड़ लगा देंगे, ये वाली इसमें ब्लैक कलर की रबड़ है, ब्लैक कलर की रबड़ हमने लगा दी। और अब इसका जो ये बैरिंग के ऊपर जो कवर है, जो बैरिंग रोकेगा इसका, तो ये वाला हम इसमें लगा देंगे। ये ऐसे लगेगा इसमें, देखो आपको देख लेना है कैसे लगा रहा हूँ। और अब किसी चीज़ से, या तो आपके पास में गोटी हो या कुछ भी हो जिसे इस पर चोट मारेंगे, तो देखो ये मेरे पास में टोमी है जो आगे लगती है, तो मैं इसको ऐसे रखूँगा इसमें। देखो इसमें पूरी फिक्स आ रही है अंदर, जो प्लेट है इसकी प्लेट में बिल्कुल पूरी आ गई। तो इसमें रखे हुए इस पर ऊपर से चोट मारूँगा तो इसमें अंदर फिक्स हो जाएगी एकदम से। तो ये जो इसकी प्लेट थी दिखे, ये अंदर वाली जो जिससे बैरिंग रुका है, ये इसमें अंदर चली गई प्लेट इसकी। तो आपको अच्छे से बिठा लेनी है, ये ऊपर नीचे ना रहे, बिल्कुल फिक्स आनी चाहिए एकदम से, जिसमें जैसे इसमें फिक्स आ रही है। तो मैंने आपको दिखा दिया बैरिंग मैंने इसमें लगा दिए। अब मैं क्या करूँगा, अब इसकी जो मोटर है मोटर इसमें लगा लेंगे। तो मोटर लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो कनेक्शन है ये इसमें पीछे की साइड जाएंगे, इसे
ये कनेक्शन पीछे की साइड ऐसे लगेगा इसमें कवर, जो इसके कनेक्शन है नीचे वाले कवर की साइड आएंगे। तो मैं इसको इसमें बिठा लेता हूँ, देखो मैंने इसमें बिठा लिए। और अब जो इसका आर्मेचर है तो आर्मेचर इसमें ठोकेंगे अंदर, जो बैरिंग है बैरिंग में लगा लेंगे इसको आर्मेचर को। देखो लग तो गया इसमें, तो अब मैं इसमें चोटी मार लेता हूँ ऊपर से। मैं इस पर ये वाली शाफ्ट है, ये जो गोटी का सॉकेट है ये वाला, तो मैं इस पर रख के इस पर चोट मारूंगा, तो इसमें अंदर की साइड चला जाएगा। तो ये देखो इसमें ठुक तो चुका है पर पुरानी अभी ठुका है। तो अभी मैं इसमें ऊपर का बैरिंग भी लगा दूंगा, फिर इसमें धीरे धीरे शॉट मारूंगा मैं करके इसमें। ये ऊपर वाला कवर मैं इसका लगा देता हूं अभी, इसको टाइट करेंगे फिर ऊपर से धीरे धीरे शॉट मारेंगे तो आराम से लग जाएगा। तो ये आपको इधर से लगाना है, देखो इसमें नट बोल्ट इधर से लग गए, ये आपको याद रखना है कैसे हमने खोला था कैसे लगाना है। तो इसमें जोड़ लगा लेना आपको आराम से, तो नीचे की साइड चला जाएगा। फिर मैं इसमें इसके बोल्ट लगा देता हूँ मोटर में, मैं आपको बताऊँगा फिर ये टाइट कैसे होगा, जो इसकी शाफ्ट अभी अंदर नहीं गई पूरी आर्मेचर की बैरिंग में। तो धीरे धीरे इसमें पहुँचाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो तो इस साइड में वायर भी आ गई इसकी, तो वायर भी बाहर निकालते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है एकदम से, ये नहीं तो क्या होगा कि कवर इसका टूट जाएगा। तो अब इसमें धीरे धीरे ऊपर से शॉट मारेंगे, देखो ऐसे। तो इसमें जो इसका जो शाफ्ट है शाफ्ट धीरे धीरे अंदर चल जाएगी। अब इसको हल्का टाइट करेंगे नट को, इसके जो इसका बोल्ट है बोल्ट इसका हल्का टाइट करेंगे, और अभी दूसरे वाला बोल्ट टाइट करेंगे इधर इधर से। तो अब इस पर शॉट मारेंगे ऐसे धीरे धीरे, आपको यहाँ पे चोट नहीं मारनी, सिर्फ ऊपर ही आपको चोट मारनी है इसी जगह पे। ये तो अगर आपने ऊपर की साइड चोट मार दी तो क्या होगा कि कवर इसका टूट जाएगा, आपको ये भी याद रखना है। तो अब इसको और टाइट करता हूँ मैं, धीरे धीरे टाइट करेंगे और धीरे धीरे इस पर चोट मारेंगे तो ये बिल्कुल सही फिक्स हो जाएगा बढ़िया। बहुत ज़्यादा एकदम टाइट नहीं करना, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना, नहीं तो ये कवर यहाँ से टूट जाएगा इस जगह से, आपको याद रखना है। तो इस पर चोट मारूंगा मैं फिर दोबारा से, तो ये बिल्कुल फिक्स ही हो चुका, बस ये हल्का टाइट और एक बार और में करने पड़ेंगे टाइट, ये तो ये फिक्स हो जाएगा फिर कवर इसका। तो इसका कवर जो है फिक्स हो चुका अभी, एक बार उसको चोट मारते हैं ऊपर की साइड भी चोट मारेंगे हल्की। तो देखो मोटर बिल्कुल फ्री घूमने लगे अभी, तब कसेंगे ऐसे और मार मार है। अब एक बार और इसको कस देंगे, तो इसके जो नट बोल्ट है बिल्कुल टाइट हो चुके अब। तो इसके बोल्ट तो मैंने बिल्कुल पूरे टाइट कर दिए जितने होने थे, अब इसके कार्बन लगा लेते हैं। वैसे बैरिंग में प्रॉब्लम थी ना, तो कार्बन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें पत्ती होती है, इसमें पत्ती इसके अंदर छोड़ेंगे ऐसे, और इसकी जो ऊपर वाली पत्ती है फिर ये वाली लगा देंगे। और अब दूसरा वाला कार्बन लगा लेते हैं, और अब ये वाली वायर लगा लेते हैं इसकी। ये देखो इसके कनेक्शन तो मैंने कर दिए वाले, अब इसे एक बार चला के देख लेते हैं, चला के चेक करते हैं इसको।
ये मेरा सीरीज वाला बोर्ड है, तो मैं सीरीज कर लेता हूँ ये। और एक मेन वायर यहाँ पे लगाएंगे इस वाले थिंबल में, और अब दूसरी वायर यहाँ पे कहीं पे भी लगा लेंगे तो मोटर हमारी चालू हो जाएगी। यहाँ पे लगा ली इस वाली वायर पे, अब दूसरी से चेक करा देता हूँ आपको। देखो देखो आपको दिखा दी मैंने, चल चुकी है, अब आवाज़ भी नहीं कर रही। पहले क्या था, बहुत ज़्यादा साउंड कर रही थी। इसको इसमें फिक्स कर लेते हैं इसकी बॉडी में। ये इसकी बॉडी है तो बॉडी में फिक्स कर लेते हैं इसको। इसमें ये तीन नट होते हैं लगे हुए, तो ये आपको देख के लगाने हैं इसमें तीनों। तो हम इसको ऐसे लगाएंगे देखो, जिससे क्या होगा कि थिंबल भी आराम से इसमें लग जाएंगे ऐसे करके मोटर को, जो आपको याद रखना है। और इसके पेच भी सही आ जाएंगे बिल्कुल इसमें। देखो इधर वाला पेच भी इसका बिल्कुल अंदर से होल सही आ चुका, और इधर वाला भी सही है, देखो दिख रहा होगा। तो उसमें इसके पेच लगा लेता हूँ। दूसरा वाला पेच भी लगा लेता हूँ। और अब हमारा एक पेंच बचा हुआ है तो वो भी लगा लेते हैं। तो ये तीसरा पेंच है, ये भी लगा लेते हैं इसमें। तीनों पेंच आपको छह टाइट कर लेना है। मिक्सी चलती है तो वाइब्रेट बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से भी ये खुल जाते हैं। ये देखो फिक्स हो चुका बिल्कुल। तो दोस्तों मोटर तो पूरी मैंने इसकी फिक्स कर दी बॉडी में जो थे, बाकी इसके जो कनेक्शन है कनेक्शन मैं इसके कर दूंगा। अगर आपको कनेक्शन इसके समझ में ना आए ये, तो या तो आपने इसका फ़ोटो खींचा होगा तो आप फोटो देख लेना, या फिर आप वीडियो पीछे जाके देख लेना कनेक्शन कहाँ पे कौन सा हो रखा है। तो मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है, इस वजह से मैं इसको बंद करके फिर आपको दिखाता हूँ। इसकी वो जो पीछे का कवर है ये लगा लेते हैं। मैं आपको एक बार चला के भी दिखाया था, देखो साउंड नहीं कर रही कितने भी है, लगा था कि बहुत ज़्यादा साउंड है। और अब इसकी कपलिंग लगा लेते हैं। कपलिंग जो थी इसके साथ की वही वाली लगाएंगे। कपलिंग लगा लेंगे नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पर उल्टी साइड ही घुमानी है तो ये ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगी, क्योंकि इसकी उल्टी चूड़ी होती है। तो इसमें लग चुकी है, आपको एक बार मैं चला के दिखा देता हूँ फिर इसको। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।